हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रमेश। आज आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है, क्या करके आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये आप जान जाए, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा गया है। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना सही का रहना चाहिए, उसका होम्योपैथिक मेडिसिन, हम इन सारी बातों को आपको आज बताने जा रहे हैं। तो शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 इसे नॉर्मल माना गया है, 140/90 इसे भी नॉर्मल वे में ही माना गया है, लेकिन 140/90 की एबव जो है उसे हाई ब्लड प्रेशर के श्रेणी में आता है। तो ये किस कारण से हाई ब्लड प्रेशर होता है, टू दी पॉइंट हम टोटल बात आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट एग्जैक्ट कारण जो है उसे बताने जा रहे हैं। मेनली है स्ट्रेस। अगर आप तनाव लेते हैं, तनाव युक्त वातावरण में रहते हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा चीज है खाना। खान पान में आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, उससे भी आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा। तीसरा चीज है कि आप बैठे बैठे काम करते हैं, फिजिकल वर्क कुछ कर नहीं रहे हैं और बस सिर्फ खा रहे हैं, उससे भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा चीज़ है कि आप आपका शरीर मोटा है, इसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। और चीज़ है कि आप प्रॉपर काम काज में व्यस्त है, कारण प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सब कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। अब जो हम बताने जा रहे हैं किस कारण से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और नॉर्मल वे में ही रहेगा। तो फर्स्टली तो आप स्ट्रेस ना लें, तनाव युक्त वातावरण बातों पर ध्यान ना दें, हंसते रहें, हंस करके काम करें। दूसरी चीज है कि फूड में, खान पान में आप ऑयली फूड को एकदम त्याग दें। तीसरी चीज है कि आप सुबह में उठ के 2 गिलास वाटर को जरूर लें। चौथी चीज़ है कि आप मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह जरूर करें। पांचवी चीज़ है कि थोड़ा सा आप तनाव से दूर रहने के लिए योग पर भी ध्यान दें। ये सब करके आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ठंड के दिनों में ही ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाला बीमारी है। तो हाई ब्लड प्रेशर का होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। ऐसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे दवा है, लेकिन होम्योपैथिक मेनली साइन सिम्टम पर ही जिंदा है। इसे एक खुराक बहुत हो जाता है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन ऐसे आप एक दवा का नाम आपको बता रहे हैं जो आपको हल्का फुल्का बीपी है और तो उसमें काम कर जाता है, बहुत ज़्यादा बीपी है तो दवाई तो लें, लेकिन थोड़ा सा फिजिशियन से, हेल्दी के फिजिशियन से जरूर परामर्श ले लें। तो उस दवा का नाम बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक, रोल्फिया। रोल्फिया क्यू मदर टिंचर आता है, उसे आप एक चौथाई का पानी में 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम लें और एक आध खुराक लुनाइन ले लें। तो इस थोड़ा अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो, अगर बीपी नहीं बढ़ा हुआ है तो कुछ कारण जो नुस्खा बता दे उसे करके आप बीपी से बच सकते हैं। और अगर बीपी के आप शिकार हैं, बहुत ज़्यादा बीपी है, तो दवा तो लें, लेकिन नज़दीक की फिजिशियन से आप थोड़ा जा करके विचार विमर्श कर लें। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।